वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है डिजिटल ऑडियो HDMI रिलेटेड, तो जो प्लगिंग है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं हो पाता है, लग नहीं पाता है, तो जब ये इशू हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर ये इशू आ जाता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको स्टार्ट के ऑप्शन पर जाना है। स्टार्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल दिखाई देता है, तो कंट्रोल पैनल को हमें खोल लेना है। और कंट्रोल पैनल को खोलने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता है साउंड, तो साउंड के अंदर हमें जाना होगा, इसके अंदर ही हमें सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। तो साउंड को खोलता हूँ मैं, और साउंड को जैसे ही मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है डिजिटल ऑडियो HDMI हाई डेफिनेशंस ऑडियो डिवाइस नॉट प्लगिंग इन। तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, लेकिन हम इसे प्लग इन करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा जब तक हम इसको प्लगिंग नहीं कर देते। फिलहाल जो है यहाँ पर प्लगिंग मैंने ही नहीं कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर ही दिखा रहा है। बाकी कभी कभी जो है ये डिसेबल हो जाता है यहाँ पर, उसके बाद आप प्लगिंग कर देते हैं तो उसके बाद भी आपकी HDMI जो रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस रहते हैं वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डिसेबल हो जाती है। ये मेन मीनिंग होता है इसकी प्रॉब्लम को आने का। आप इसको इनेबल रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी HDMI डिजिटल ऑडियो रिलेटेड प्रॉब्लम में। अगर यहाँ पर आपको डिसेबल लिखा हुआ आता है तो मान जाइए कि ये इनेबल है, और अगर इनेबल का ऑप्शन आता है तो ये आप इसको इनेबल करके इसको चालू कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आती रहती है इस चीज़ की। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है ज़्यादातर किस चीज़ से ये प्रॉब्लम आती है। अब मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ कि आपके यहाँ पर HDMI रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपके कंप्यूटर में कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम है। बाकी जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया, ये सेटिंग्स है, अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको इसको पहले इनेबल कर देना है, उसके बाद सेट कर देना है और ये ऑटोमेटिकली चल जाएगी, क्योंकि कोई इशू तो नहीं है ना। तो अगर इशू होता तो हमें यहाँ पर अप्लाई करने की या फिर कुछ इशू वगैरह डिटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती। यहाँ पर तो हमारा सीधा प्लगिंग ही नहीं है और उसके बाद डिसेबल है हमारी चीज़, तो वो वर्क नहीं करेगी। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।